नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ CBSE की क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी बहुत दिनों से अपने पेपर की यानी जो बचे हुए पेपर है उनकी डेट का इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी पेपर कब होएगा, उनकी डेट शीट क्या है, मतलब उनकी डेट क्या है, कौन सा पेपर किस दिन होगा। तो पहले हम बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास के पेपर की। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये डेट शीट है, मतलब ये आपका टाइम टेबल है क्लास ट्वेल्थ का। क्लास ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है, जो बचे हुए पेपर है, वो वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, मतलब 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। टाइमिंग जो रहेगा वो 10:30 से यानी सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। और पहला पेपर जो होगा वो होम साइंस का होगा। दूसरा थर्सडे को यानी 2 जुलाई को है, वो उसका भी टाइम सेम रहेगा। और उस दिन हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर, ये दोनों पेपर उसी दिन होंगे। फ्राइडे 3 जुलाई को जो पेपर है वो है फिजिक्स का, ठीक है। ये केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होगा, बाकी सब जगह हो चुका है। इसके बाद सैटरडे को यानी 4 जुलाई को जो पेपर है वो अकाउंटेंसी का है, ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही है। ये पेपर इसलिए बच गए हैं क्योंकि वहाँ पे दंगे हो गए थे, इस कारण से वो पेपर नहीं हो पाए थे। दूसरा नेक्स्ट है मंडे को 6 जुलाई को, ये पेपर है केमिस्ट्री का, ये भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही होगा, ठीक है। इसके बाद थर्सडे यानी 7 जुलाई को जो पेपर होने वाले हैं वो है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का, कंप्यूटर साइंस का, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस ओल्ड वाला और न्यू वाला अलग अलग है, फिर कंप्यूटर साइंस ओल्ड वाला और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो पेपर है वो होगा आपको 7 जुलाई को। हम बात करते हैं वेडनेसडे यानी 8 जुलाई को जो पेपर होगा, वो 3 पेपर है, इंग्लिश इलेक्टिव एन, इंग्लिश इलेक्टिव सी और इंग्लिश कोर। ये तीनों ही पेपर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगे, ठीक है। इसके बाद जो थर्सडे यानी कि 9 जुलाई को जो पेपर है वो है बिजनेस स्टडी, जो कि पूरे भारत में होगा। इसी प्रकार फ्राइडे 10 जुलाई को बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है, वो भी सारे भारत के लिए है। फिर अगला पेपर है सैटरडे यानी 11 जुलाई को जो पेपर है वो है जियोग्राफी, ये भी ऑल इंडिया ओवर में होगा। हम बात करते हैं अगले पेपर की, जो कि होगा 13 जुलाई को, और ये जो पेपर है वो होगा सोशोलॉजी का, ये भी ऑल इंडिया ओवर के लिए होगा। और अगला पेपर है थर्सडे को यानी 14 जुलाई को, ये पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, ये ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही होगा। इसके बाद जो वेडनेसडे यानी लास्ट पेपर जो होगा वो वेडनेसडे 15 जुलाई को होगा, और ये चार पेपर होंगे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी, ये चारों ही पेपर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगे। तो इस तरह से ट्वेल्थ का जो डेट शीट है, ट्वेल्थ का जो टाइम टेबल है वो इस प्रकार से है। तो जिन बच्चों का ट्वेल्थ का पेपर नहीं हो पाया था तो ये उनके लिए अच्छी जानकारी है, आप इस हिसाब से अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10th क्लास के टाइम टेबल की। तो ये रहा 10th क्लास का टाइम टेबल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th का जो टाइम टेबल है ये शुरू होगा आपका 1 जुलाई को यानी वेडनेसडे से शुरू होगा, और पहला पेपर है सोशल साइंस का। दूसरा थर्सडे को जो पेपर होगा यानी कि 2 जुलाई को वो होगा साइंस थ्योरी, और उसी के साथ होगा साइंस विदाउट प्रैक्टिकल वाला। इसके बाद फ्राइडे को जो पेपर होगा 10 जुलाई को वो होगा हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी। और लास्ट का जो पेपर है यानी वेडनेसडे 15 जुलाई वो होगा इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। ये चारों पेपर है वो ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है, मतलब ये केवल दिल्ली में जो पेपर नहीं हो पाए थे दंगों की वजह से सिर्फ वहीं पर होगा, बाकी पूरे देश में 10th का पेपर हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।